नमस्कार साथियों, आज हम आपको दिखाते हैं चाय का बगीचा। आज हम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एक एरिया में हम लोग आए हुए हैं, पश्चिम बंगाल का डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, और वहाँ ये चाय का बागान है। ये चाय के बागान में अभी इसका कटिंग किया हुआ है, इसका जो है पत्ता बिकता है। साल में 6 से 7 बार इसका पत्ता टूटता है। अभी ठंड के टाइम में जो है इसका कटिंग किया हुआ है। कटिंग करने के बाद में अभी दोबारा से जब टूट करेगा तो 35 से 40 दिन में इसका पत्ता तैयार होता है, और पेड़ को लगाने के बाद इसका उम्र लगभग 40 से 50 साल बताते हैं। ये देखिए, ये लगभग 30 साल पुराना बगीचा है, और इसको हर साल नवंबर दिसंबर में कटिंग किया जाता है। ये पत्ता बिकता है इसका, ये पत्ता जाता है 17-18 रुपये किलो तक में, फिर वहाँ से चाय पत्ती तैयार होती है। और इसके साथ में ही ये लोग सुपारी का भी जो है खेती करते हैं। ये देखिए, दो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, इनकी उम्र 20-22 साल 30 साल रहती है, और ये नवंबर दिसंबर में इसकी जो है सुपारी टूटती है। सुपारी का पेड़ है, ये देखिए पहले जो लगा हुआ है ये सुपारी है। चाय के बगीचे के चारों तरफ मतलब मेड़ में जो है ये लोग सुपारी के पेड़ लगाते हैं। धन्यवाद।